हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस। जी हाँ, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है समीर, मैं हूँ एक बिजनेस कंसल्टेंट जो काफ़ी सारे लाइसेंसेस बना के देता हूँ, जैसे GST, गुमास्ता लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप में से किसी को भी ऐसा कुछ इसके ऊपर डाउट है, क्यूरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते एक न्यू बिज़नेस आइडिया के बारे में, जो है पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बिज़नेस। जी हाँ, तो जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बिज़नेस का जो आइडिया है दोस्तों, उसमें ऐसा काम है ये कि इसमें आप स्पेशलाइज जो सिविल वर्क्स में पेंटिंग नॉर्मल सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी करके देता है, लेकिन एक स्पेशलाइज पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से फिनिशिंग के साथ पेंटिंग होती है। अब पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो है वो थोड़ा सी चैलेंजेस, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स दो टाइप के रहते हैं, एक होते हैं जो घरों की पेंटिंग करते हैं जिसको हम इंटरनल पेंटिंग भी बोल सकते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल पेंटिंग। अब अगर आप मुझसे पूछो ज़्यादा पैसा किस में, तो डेफिनेटली ज़्यादा पैसा एक्सटर्नल पेंटिंग में है, जिसमें पूरी बिल्डिंग को पेंट करना है, बंगलों को पेंट करना है और बिल्डिंग के इंटीरियर एरियाज को पेंट करना है, जैसे पैसेज है वगैरह वगैरह, तो ये एक्सटर्नल पेंटिंग की कैटेगरी में आता है। इसमें लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इसमें अच्छा मैन पावर चाहिए और टीम बड़ी होनी चाहिए। जब हम हाउस होल्ड पेंटिंग की बात करते हैं, तो जैसे किसी फ्लैट वाले ने आपको बुला लिया कि उसके फ्लैट में 1 BHK या 2 BHK फ्लैट में आप पेंटिंग कर दें, तो ये छोटे पेंटिंग के वर्क होते हैं जिसका काम कुछ दिनों में हो जाता है, 2-4 दिनों में। जो बड़े एक्सटर्नल पेंटिंग का वर्क है, उसका बजट भी ज़्यादा होता है और उसका जो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है। तो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कुछ स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे उसको ये पता होना चाहिए कि कलर कहाँ से अच्छे मिलते हैं। आजकल कॉन्ट्रास्ट वाली पेंटिंग होती है, कभी कभार वॉलपेपर जैसे फिनिशिंग टच आते हैं, तो अपने आप को अपडेटेड रखना है कि पेंटिंग इंडस्ट्री में न्यू ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं और लोगों की डिमांड क्या हो सकती है, और उस तरीके से कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है अपने अच्छे काम से। साथ में पेंटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे अगर कुछ जगह पे लीकेज है तो वहाँ पे कौन सा केमिकल लगाना है जिससे वो लीकेज बंद हो जाए। उसके बाद में फिनिशिंग कैसे देना है, कितनी पुट्टी लगाना है, पुट्टी कहाँ लगाना है, POP कहाँ लगाना है, और उसके बाद में अच्छे लेबर होना ज़रूरी है, और उसके अलावा जो है पेंट कैसे करके देना है, कितना लीटर लगेगा एक रूम में। अगर अभी जैसे मैं अगर पेंटिंग करवाता हूँ, तो अगर मैं पेंटर से ये जानना चाहता हूँ कि वो टैलेंटेड है या नहीं, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि एक रूम में कितना पेंट लगेगा अगर मैं सिंगल कोट लगाऊंगा। तो पेंट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ऑयल पेंट होता है, डिस्टेम्पर होता है, रॉयल टच होता है, वेलवेट टच होता है, तो अलग अलग पेंट्स की अलग अलग कीमत है और अलग अलग जगहों पर वो लगा जाता है। जैसे डिस्टेम्पर जो है वो बाहर लगाना शायद इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पानी से बह सकता है, तो बाहर एक्सटीरियर में महंगा पेंट लगता है, इंटीरियर में सस्ता पेंट भी लगाया जा सकता है। तो एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के सर में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें साथ में पैसा भी। अगर आप भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिख के बताइए, और आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।